गुड मॉर्निंग जी, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? सुबह के 10 o'clock और मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। तो आज मैंने सुबह ही बना दी थी रोटियाँ, जब मैंने हर्षित के लिए लंच पैक किया। बाद में कई बार आलस आ जाता है, तो लंच में मैंने उसको दी है लिंगड़ी की सब्जी, जो मैंने आपको कल दिखाई थी। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई, बहुत ही सिंपल है। बॉइल करी थी मैंने इसे प्रेशर कुकर में, 1-2 सीटी लगा के जल्दी बन जाती है। वैसे ये बहुत से लोग तो डायरेक्ट भी बनाते हैं इसे काट के तड़का लगा के कढ़ाई में, बट मैंने इसको बॉईल किया, फिर इसको निचोड़ा है। तो निचोड़ने के बाद इसके अंदर का जो पानी है ना, वो मैंने निकाल दिया, थोड़ी ड्राई ड्राई सी बनाई, और तेल थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। तड़के में ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डालना होता है नॉर्मली, जैसे सब्जियाँ बनाते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी ड्राई होती है लेकिन इसकी तासीर गर्म होती है, इसीलिए मैंने इसके साथ ले ली है कर्ड, और इसीलिए मैंने इसको उबाल के निचोड़ा भी है। थोड़ी सी इसकी जो गर्माहट होती है ना, जिसके अंदर होती है, तो वो निकल जाती है। तो हर्षित तो चला गया है स्कूल, और मैं भी सेम सब्जी, चपाती, दही, और ये देखिए सब्जी, रोटी, दही और चटनी, यही सब खा के मैं भी अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। और थोड़े से मैंने कपड़े वॉशिंग के लिए डाले हैं, और थोड़े से बाद में धोऊंगी। सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर मिलते रहेंगे बीच बीच में। जी, ब्रेकफास्ट भी मैंने कर लिया है। थोड़े से मैंने डाले हैं कपड़े वॉशिंग के लिए, थोड़े बहुत तो मैंने धो के सूखने के लिए डाल दिए, थोड़े से मैंने अभी डाले हैं और धोने के लिए। कपड़े धोना, बर्तन धोना, ये तो हर रोज़ का है और हर एक गृहिणी के लिए है। मेरा तो सिर्फ एक दिन ही स्किप हो जाता है, लाइक थर्सडे को मैं कपड़े नहीं धोती और पोछा भी नहीं लगाती। पोछा तो कई बार लगाना भी पड़ता है, गंदगी नज़र आती है, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। ये तो हर रोज़ का काम है, करना ही पड़ता है, सबके लिए है, गृहिणी के लिए नहीं, हाउसवाइफ के लिए ही नहीं, जबकि जो वर्किंग होती हैं वो भी करती हैं। हम फ़र्क इतना है कि हम लोग कभी भी कर लेते हैं, उनका बेचारे का एक फिक्स टाइम होता है ऑफिस गोइंग वुमेन के लिए, वर्किंग वुमेन के लिए। तो चलिए कोई बात नहीं, ये तो काम तो होते रहेंगे। अब मैं फ्री हो चुकी हूँ थोड़ी देर, अब करूँगी मैं अपना स्टिचिंग का काम, और लंच में देखती हूँ। लंच में अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, बनाऊँगी थोड़ी देर में, कुछ मन करेगा तो दाल बना दूँगी, देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पे एक्चुअली चिड़िया ना नेस्ट बना रखा है इधर ऊपर, और बहुत सारी स्पैरोज आ जाती हैं। गर्मी के टाइम में बेचारे भूखे प्यासे मर जाते हैं पंछी लोग, पक्षी, इसलिए मैंने थोड़ा सा, कई दिन से मैं सोच रही थी कि एक पॉट में पानी रख देती हूँ, एक पॉट में थोड़े बहुत दाने रख देती हूँ, पर बंदरों से डर लगता है यहाँ के मंकीज़ ना। चिड़िया के लिए तो नहीं छोड़ेंगे, पर बर्तन गिरा के तोड़ फोड़ देंगे। मन तो करता है मेरा बड़ा सा कुछ डब्बा रख दूँ यहाँ पे पानी का, और थोड़े बहुत दाने, देखो ऊपर आ गई चिड़िया, आ गई वो, देखो फ्लोर पे पानी पीने के लिए आई है, अभी अभी आई है ये चिड़िया यहाँ पे पानी पीने के लिए। चलो अच्छा है, मेरी कुछ कोशिश कामयाब तो हुई। यहाँ पे बहुत से बर्ड आ जाते हैं पानी पीने के लिए, और पानी की सोर्सेस कहीं है नहीं, तो मैंने बाउल में पानी रख दिया, एक बाउल में थोड़े से दाने रख दिए चावल के और दाल के, ग्रेन्स। गर्मी में वही रखना बहुत ज़रूरी है, सबको प्यास लगती है, जैसे हमें लगती है ऐसे पक्षियों को भी लगती है, पशुओं को भी लगती है। तो चलो पशुओं के लिए तो ऐसा है कि जो नहर का पानी है वो पी लेते हैं, पक्षी बेचारे यहाँ वाले जा नहीं पाते इधर उधर ज़्यादा। जहाँ पे मैंने अभी रखा है ना, वहाँ पे नेस्ट बना रखे हैं पक्षियों ने। हेलो जी, 12 बजे का टाइम हो रहा है, और मैंने ना बहुत टाइम से, मतलब जब से मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है ना, ये देखो डिपॉजिट नहीं किया मैंने, तब जा रही हूँ मैं बिल डिपॉजिट करने, साथ में मेरी फ्रेंड है, डिपॉजिट करके आ जाते हैं, पता चला मीटर ही काट गया। सबसे पहले इसको डिपॉजिट करके आ जाते हैं। एक्चुअली जहाँ पे ये डिपॉजिट होता है वो तो डेट निकल चुकी है, और अब मैं इसे पोस्ट ऑफिस या फिर एक एसएस कम्युनिकेशन करके है ऑफिस, वहाँ पे करूँगी, लाइक लोक मित्र के अंदर टाइप होता है ना, या फिर वहाँ पे करके आऊँगी या फिर पोस्ट ऑफिस में करके आऊँगी। खाना वाना लंच में बाद में बनाऊँगी, फिलहाल चलते हैं ज़रा। ये मैंने ले लिया है फ़ोन, ये मैंने ले लिया है पर्स, और ये रहा बिल, अम्ब्रेला ले लेते हैं ज़रा।
देखो कितनी कड़क धूप है। हाँ जी, हाँ आपने अम्ब्रेला नहीं लिया? अच्छा ये वाली शीशी कह रहे थे आप। अच्छा धूप है इतनी कड़क, बिना अम्ब्रेला बिना चुन्नी के तो निकलना भाई बहुत मुश्किल है। चलिए चलते हैं। क्या हो गया? नहीं, ये ना हैवी होता है तभी। हाँ। मुझे भी सॉलिड सा देना थैला। कितने हुए? कितने कितना वेट था इसका? एक किलो से ज़्यादा था। बिल तो डिपॉजिट हुआ नहीं जिस काम के लिए इतनी कड़क धूप में निकली थी। मैं लेकर आ गई वाटरमेलन। मेरे बेटे को वाटरमेलन बहुत पसंद है और आजकल सीजन भी है। चलो देख गए तो मैंने ले लिया। संदीपा के साथ आई थी वो तो निकल गई घर, मैं भी फटाफट से निकलती हूँ क्योंकि बहुत कड़क धूप है। ऐसी धूप में तो भाई निकलने का मन नहीं करता। तो जी बिल तो डिपॉजिट हुआ नहीं क्योंकि अभी ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है। मेरे पास भी नहीं कर रहा था, वैसे तो मैं सारे अपने ऑनलाइन काम खुद से ही कर लेती हूँ अपने मोबाइल से, बट हो नहीं रहा था आज। और देखो गर्मी से कितनी हालत ख़राब हो गई। फिर कर लेते हैं रेस्ट, जिस काम से गई थी वो तो हुआ नहीं। उल्टा वाटरमेलन उठा के ले आई अपने बेटू के लिए। टाइम की अगर बात करें 12:45 हो रहा है, सॉरी 12:45 का टाइम हो रहा है। थोड़ी देर रेस्ट करते हैं फिर उठ के खाना वाना बनाऊँगी। 3:30 का टाइम हो रहा है, मुझे लगी बहुत तेज़ भूख। आज मैंने हर्षित का वेट नहीं किया, वैसे तो आने ही वाला है वो। 5 मिनट्स बचे, आ ही जाएगा, ऑन द वे होगा। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी तो मैंने तो खाना डाल दिया। और आज खाने में देखिए मूंग दाल, वो छिलके वाली ग्रीन कलर की मूंग दाल होती है ना, वही मैंने बनाई है। साथ में है दही और साथ में है चटनी। बहुत तेज़ भूख लगी थी और अभी तक मैं कर रही थी सिलाई। थोड़े बहुत मैंने कपड़े भी अगेन वॉश किए, मैट कारपेट वगैरह जो इधर डोर मैट्स होते हैं ना, सारे मैंने वॉशिंग मशीन में धो दिए। यहाँ पे क्या होता है कि ग्राउंड फ्लोर की वजह से खिड़कियों और दरवाजों से डस्ट आती है अंदर, रेत रेत बिल्कुल बारीक सी रेत। बस तो डोर मैट भी मेरी इसी वजह से ख़राब हो गए थे तो मैंने वो भी वॉश कर दिए। कभी कभी बिल्कुल सिंपल सी दाल खाने का मन कर जाता है, कुछ स्पेशल बनाने का मन नहीं करता। अकेली होती हूँ तो वैसे ही मन नहीं मेरा करता। आज मैंने चिड़िया को ऊपर, जो सुबह मैंने चिड़िया को पानी और दाने डाले थे ना, तो मैंने यही वाली मूंग डाली थी उनके लिए, चावल और छिलके वाली मूंग जिसकी खिचड़ी बनती है। तो ये मैंने भीगने के लिए डाल दिए चिड़िया को भी और खुद के लिए भी। मुझे लगा मैं कि यार बहुत टाइम से मैंने ये वाली दाल खाई नहीं। हॉस्पिटल वाली दाल कहता है अर्शीज को, वो खाता नहीं है, उसे पसंद नहीं है। हाय बडी, कहने का मतलब है कि आप 3:30 के आसपास ही पहुंचते हो। चलो जी मैंने तो लंच कर लिया है। और हर्षित टिफिन 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 निकालो अपना बेटा, वाटर बॉटल टिफिन। देखो कैसे बैग पटकता है आके। हर्षित 3 दिन की छुट्टी है। कब है छुट्टी? है क्या छुट्टी के लिए? देखो बच्चे कितने खुश होते हैं छुट्टी के लिए, कितना खुश होता है, कब है बताना। सैटरडे से लेकर मंडे तक छुट्टी। सैटरडे को तो नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि वो कंपनसेट की गई थी ये वाली सैटरडे की छुट्टी पिछली बार जब शालू दीदी की शादी में मिली थी। 3 दिन की छुट्टी है, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। कोविड में 2 साल में ये लोग घर पे थे बट इनका मन नहीं भरा है, अभी भी इनका मन करता है कि घर पे ही रहें। सबसे ज्यादा तो इसका स्कूल, सुबह उठने की सबसे। हम करेंगे थोड़ी देर रेस्ट, हर्षित भी थोड़ी देर रेस्ट करेगा, उसके बाद पढ़ाई करेगा। अभी देखती हूँ जरा इसके टेस्ट में कितने मार्क्स आए हैं। चलिए फिर मिलते रहेंगे आपसे हवा के साथ। रुको रुको बुलाती हूँ। हर्षित रुको, मैं चेंज करके आई है ना। बारिश हो रही है बाहर, ये देखो अंधेरा हो गया और लाइट भी चली गई। ये देखो आप, भयंकर बारिश और हम पूरी तरह से भीग चुके हैं, सबसे पहले मैं चेंज कर देती हूँ, जरा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ये देखो जरा कैसी भयंकर वाली बारिश हो रही है ना वान्या। देखो सॉक्स भी गीली कर दी गोलू तूने। गुड इवनिंग दोस्तों, 7:30 का टाइम हो रहा है। ये देखिए अभी थोड़ी देर पहले तो
5 बजे तो मेरे घर 2 गेस्ट आ गए थे। दीदी आ गई थी, एक मेरी बुआ जी की बेटी की शादी हुई है दत्तनगर गांव में ही, वो आ गई थी और एक उनके साथ और दीदी आई थी। काफी देर वो लोग बैठे रहे, गपशप करते रहे। एक्चुअली शादी का कार्ड है, एक और शादी है हमारे रिलेशन में ना। लाइट ऑन कर देती हूँ जरा, वेट कीजिए आप। वो इनविटेशन कार्ड देने आई थी दीदी, उनके पास दिया होना किसी ने। ये भी मेरी रिलेशन में ही है मैरिज। और उसके बाद काफी देर हम बैठे रहे, घंटा भर बैठे रहे। जैसे ही वो उठ के घर जाने लगे, वैसे इतनी तेज बारिश हुई, इतनी तेज बारिश हुई, ऐसे लगा जैसे बादल फट जाता है ना अचानक से, झमझम झमझम करके बहुत तेज बारिश हुई। और थोड़ा सा मैं भी भीग गई मजे तजे लेने के लिए, और हर्षित भी भीग गया। और अब मेरी हालत ऐसी हो रही है ना, पूरा बदन टूट रहा है, मतलब पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, गॉड नोज क्यों हो रहा है मेरी तबीयत। और ऐसे तपश जैसी लग रही है ना हर्षित, एक बार टच करना जरा, ठंडे है ना हाथ आपके, नॉर्मल है। शोल्डर में, कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है। क्यों हो रहा है? कहीं भीगने की वजह से मेरी तबीयत तो नहीं खराब हो गई? ऐसे मन कर रहा है कि मैं बिना कुछ खाए पिए बस सो जाऊं। पता नहीं क्या हो रहा है। फीवर से पहले जो होते हैं ना सिम्टम, सेम वैसे की वैसे है। और मेरे गले में भी दर्द हो रहा है, जैसे जुकाम की से शिकायत होती है। जबकि मैं कहीं आती जाती नहीं, पैदल चलने का तो नामो निशान ही नहीं। जैसे पैदल चलते हो ना कहीं आप, या फिर बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो मॉर्निंग के टाइम में, भागते हो, रेस लगाते हो, सेम वैसे ये देखिए थाई और इस तरफ जो दर्द होता है कमर वगैरह में, बिल्कुल अकड़न सी हो गई, जकड़ सी गई है। हाँ, मुझे टेंशन ये है मेरे को फीवर फूवर ना आ जाए बस। हर्षित के लिए क्या करूंगी मैं, क्या खाना खाओगे? अभी देखिए हर्षित दूध और बिस्किट खा रहा है इस टाइम, ये दूध बिस्किट खा रहा है। मैंने तो चाय पी है अपनी फ्रेंड के साथ में बैठ के, जब बारिश हो रही थी तो उन्होंने चाय बना दी कि दीदी आके चाय पी लेते हैं। तो अभी 7:30 का टाइम हो रहा है, मैं पूजा कर लेती हूँ और किचन की हालत मैं आपको दिखाती हूँ कि ढेर सारे बर्तन पड़े हैं जो कि मैंने क्लीन नहीं किए हैं। ये देखिए मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ, मंदिर की लाइट ऑन कर दी मैंने, और इधर ढेर सारे बर्तन क्लीन करने हैं मुझे। तो पूजा पाठ करने के बाद सबसे पहले मैं बर्तन क्लीन करूंगी। खाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, सुबह की सब्जी भी है, दिन वाली मूंग दाल भी है और राइस भी है। हर्षित को खाना होगा तो इसके लिए चपातियां बना दूंगी। बाकी सुबह तो बैंगन का भरता दूंगी मैं इसको, सुबह मैं भिंडी दूंगी हर्षित को, बैंगन का भरता नहीं दूंगी। तो फिलहाल मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं जरा आपसे। बस मेरी तबीयत कुछ अजीब सा हो रहा है, मुझे क्यों हो रहा है पता नहीं, ढीलापन सा आ गया, यहाँ 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 दर्द हो रहा है, ऐसे लगा जैसे किसी ने मुझे कुटा हुआ है, पीटा हुआ है, किसी ने मारा हुआ मुझे बहुत जोर जोर से। तो चलिए पहले मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं जरा आपसे। तो जी मैंने तो कर दी है किचन क्लोज, ये एक कप रह गया हर्षित वाला, मेरी इच्छा नहीं हो रही अब इसको भी वॉश करने की। ये मैंने भिंडी धो के रख दी सुबह के लिए, मैंने सारे बर्तन क्लोज कर दिए, कुछ भी खाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। ठंड लग रही है इतनी ज़्यादा, बर्तन साफ करते करते मुझे ठंड लग रही थी, रोंगटे खड़े हो गए, घूस बम आ गए मुझे, और पूरा शरीर टूट गया। क्या हो गया अचानक से? भीगने का नतीजा तो नहीं कही, मतलब दर्द हो रहा है, जैसे आप एक्सरसाइज करते हो या पैदल पैदल चलते हो, दौड़ लगाते हो, ये जो थाइयाँ होती है ना, यहाँ 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 दर्द करता है, सेम टू सेम वैसा ही हो रहा है। जबकि मैं कहीं गई नहीं, मैंने एक्सरसाइज भी नहीं किया, क्यों हो रहा? और ये शोल्डर मेरे पेन कर रहे हैं, गले भी में मेरा दर्द, गला भी मेरा दुख रहा है। ये देखो अब तो फेस भी थोड़ा मुझे गर्म गर्म लगने लगा है। दत्तनगर में दिल्ली जैसी गर्मी होती है और यहाँ मुझे आज ठंड लग रही है। देखिए मैंने कंबल लिया है और फैन बिल्कुल नहीं चलाया, आज बंद है। थोड़ा बहुत तो मौसम का असर होगा, पता नहीं, वैसे इतनी ज़्यादा तो मैं भीगी भी नहीं, थोड़ा बहुत पानी गिरा था सर पे और एकदम से असर हो गया उसका। समय अभी 8 बज रहे हैं तो मैं एडिटिंग, मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊँगी, देखते हैं थोड़ी देर बाद। मेडिसिन अभी नहीं लूँगी मैं, थोड़ी देर बाद लूँगी। कुछ खाया भी नहीं मैंने, तो कुछ भी नहीं खाया ना मैं, कुछ खाऊँगी मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, मेरा बस आँखें बंद करके लेटने का मन कर रहा है। होप कल तक मेरी तबीयत ठीक हो जाए, सुबह मुझे फीवर नहीं होना चाहिए, वरना मतलब उठा ही नहीं जाएगा। और अर्शित के लिए कैसे मैं कुछ करूं, और कोई करने वाला भी नहीं है, लाइक ब्रेकफास्ट बनाना, इसके लिए लंच पैक करना, खाना तैयार करना, दूध लेकर आना, अर्शित को रेडी करना, कोई हो ना घर में तो अच्छा भी लगता। अनिल जी भी वहाँ है, मैं यहाँ हूँ भाई, ऐसा ही है। फैमिली का पता, फैमिली की इंपॉर्टेंस तब पता चलती है जब आपकी हालत ख़राब होती है, बाकी जब आप सही हो तब तो सब चल ही रहा है। आँखें बंद हो रही है मेरी और ऐसे लग रहा है जलन हो रही है, फीवर की शिकायत है। फीवर से पहले जो होता है ना, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है। तो फिलहाल मैं आज के ब्लॉग एंड कर देती हूँ, मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच इज बेबीज ब्लॉग। फन एंड मस्ती, गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।